जो मुझसे कहते हो कि तुम हंस रही थी वो मैं हंसी नहीं, मेरी शक्ल भी ऐसी है। अभी जाती हूँ इरफान के पास, ये देखिए ये इरफान सोया है। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है आप कुछ बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो सुबह जो है पता नहीं मुझे क्या हुआ था, और जो बहन भाई समझते हैं कि मैं ड्रामा कर रहा था वो सब गलत समझ रहे हैं। सुबह वाकई मैंने कभी इतना गर्मी में काम नहीं किया। सुबह करते करते वो बर्तन धो रहा था तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, बाकी मुझे नहीं पता, वो कौशल को खुद पता है जी। मैंने सब कुछ बता दिया बहन भाइयों को। बस अभी मुझे घर ले आए, होश आया मुझे, घर ले आए और मुझे नहला दिया जी। बस अभी नहा के फिर सुला दिया, और बाकी की हकीकत जो है वो अब उसे पूछ ले मैं जी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, तबीयत सेहत ठीक है जी। तो अब वो आप इरफान की दवाई लेने गए थे ना? हाँ, उस वक्त वो तबीयत ख़राब हो गई थी इरफान की, वो मैं ले गया था, एक दोस्त है जहाँ उसकी गाड़ी है अपनी कार जी, और उसमें पेट्रोल डलवाया और जाके ले गया हस्पताल बहावलपुर। चेकअप कराए वो, उन्होंने ख़ास मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बताया, यही बताया है कि बीपी लो हो गया इसका जी, कमज़ोरी की वजह से बहुत कमज़ोर है, और धूप में जब निकलता है तो खून रुक जाता है किसी तरीके से, बीपी लो हो गया। हाँ जी। और भी कुछ मैदे वगैरह के भी तो था मसला, तो दवाइयाँ वगैरह दी हैं उन्होंने, दवाइयाँ भी मेरे घर में अंदर रखी हैं, खिला के दी हैं उन्हें जी। बस दुआ करें सब बहन भाई मेरे बेटों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, मेरे घर के लिए। पता नहीं कौन सी किसकी नज़र लग गई मेरे घर को, कभी कोई बीमार हो जाता है अचानक, कभी कोई कोई कुछ कैसे मसले हैं, कुछ कैसे हैं, बस अल्लाह पाक करम करे जी इंशाल्लाह। तो यहाँ बैठा है पान, पान ने दवाई खा ली? दवाई खिलाई तो थी आपने, अभी और भी खानी है। बहन भाइयों अभी आपने हकीकत तो सुन ली, और दूसरी खुराक जो है वो मैंने शाम को लेनी है। अभी उठकर थोड़ा मैंने कहा चल फिर लूँ, थोड़ी रेस्ट कर लूँ, इधर घूमने फिरने से ना सेहत सही हो जाती है जी। तो अभी ना थोड़ा चल फिर लूँगा तो इंशाल्लाह वो कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होगी। दवाई तो वैसे खा ली है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और ये क्या बना रहे हैं? अबू ले आए थे जी, अरबी और आलू। आलू अरबी जी, माशाल्लाह। और इधर सत्याना भी बैठी है जी, वो मेरी हेल्प करवा रही है। अच्छा, आज ना कौशल अब्बू ये लेकर आए थे दवाइयाँ जो मैंने उनको बताई थी। हाँ जी। समिया और इस्तियाना की, यूके की एक सिस्टर है,
उन्होंने बोला ये दवाइयाँ ना आप लेकर दो समिया और इस्तियाना का जी। ये सोमोजल भी बोला था, ये भी मैं ले आया, और ये ना समिया के मुंह में लगानी है। हाँ जी। और इस्तियाना के बाकी जो बीमार बुखार वगैरह आ जाता है तो वो ले आया, इसके भी मुँह पक्का हुआ है तो इसे भी लगा दें। और बाकी का फरोज जो ले आया था वो भाभी लेने गई है। चले फ्रूट ले आए, फिर वो भी दिखाते हैं। जो ये फ्रूट जो है ये मैंने अबू को सुबह बताए थे जब मुझे होश आया कि यूके की सिस्टर ने तामन किया था तो ये भी लेने थे। ये सेहत है ना, वो जो बच्चे बीमार हैं उनकी सेहत के लिए ये अब उनको भी खिलाएं और पूरे फैमिली को दें, मतलब तो अब ये बांट दें। और मेरा एक काम और भी है जो यूके के सिस्टर ने मुझे ख़ास तौर पर बोला है, तो वो है सबसे पहले मैं इधर से फारिग होके ना फिर आता हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं कौसर के पास। कौसर हाँ जी। आपको ना एक यूके की सिस्टर है, उन्होंने ना आपके लिए खर्चा भेजा है, ये देखें कितना जी 2000। हाँ ये आपका खर्चा, अब खुश? हाँ जी। अब दुआ भी करना उसकी जी। यूके के सिस्टर ने हमें खर्चा पानी दिया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और उसके थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने हमारे साथ इतने तावन किया है। दुआ होती है दुआ जी, मैं उसके लिए दुआ भी करती हूँ, उसके घर में खुशियाँ ही पैदा हों जी। और इधर बैठी हैं भाभी, और भाभी ये ना ये आपका खर्चा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यूके की सिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ इतना तावन किया, आपने हमें खर्चा पानी दिया, और अल्लाह ताला आपके घर में खुशहाली पैदा करे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, और आपके नसीब ही अच्छे करें। आमीन आमीन। और अभी चलते हैं इधर की तरफ। इधर जो है सबसे पहले इस्तियाना, इस्तियाना आप ना ये पकड़ो, और ये आपके और जकिया के और समिया के, ठीक है? आपने तीनों मिलकर खाने हैं ये, ठीक हो गया? चले अम्मी को दे दे, फिर ले लेना, अम्मी इससे ले ले, ये कहीं गिरा ना दे। तो अम्मी ये आपका खर्चा, ये ख़ास तौर पर खर्चा देने के लिए कहा है यूके के सिस्टर ने, तो मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमारे इतने केयर की है। और इधर जो बैठा है कमरान, कमरान आपके भी हैं, आप मुस्कराओ। चलो ये मुनीब और कमरान के दोनों के, ठीक है? मुनीब तो घर पे नहीं है, तो उसका हिस्सा भी आपको दे दिया, आधे आधे कर लेना, ठीक है? और बाकी के जो हैं सबके पूरे हो गए, कौसर भाभी और अम्मी और बच्चे जकिया कमरान मुनीब सब हो गए, और जो बाकी के बचते हैं वो मैं अब्बू को दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये सब बाकी के जो काट वाट, वो दवाई भी ले आए, फ्रूट भी ले आए, जैसा बताया था यूके के सिस्टम ने, खर्चा भी हो गया, और बाकी सबका खर्चा भी दे दिया इंशाल्लाह। और जो बच्चे हैं ये आपके, अल्लाह पाक उनको खुश रखे जिन्होंने हमारी मदद की, हेल्प की, हमारे घर को देखकर, हमारे बीमार बच्चों को देखकर, तो अल्लाह पाक उनके घर में बरकत अता फरमाए, उनके नेक औलाद बने, और अल्लाह ताला उन्हें खुशियां ही खुशियां दे, ये हमारी दुआ है दिल से। आमीन जी। तो बहन भाइयों आपने भी दुआ करनी है कि यूके के सिस्टर ने जो हमारे साथ इनका तआवुन किया है, और ये बीमार बच्चों के लिए ये सारा कुछ जो है ना तआवुन किया है ख़ास करके, और ख़र्चा भी दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। समिया जो है वो बैठी है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतना तआवुन किया, और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ लेकर दे, और उनके बच्चों की लंबी उम्र करे, और उनकी खुद की भी लंबी उम्र करे, और उनके घर में खुशहालियाँ पैदा हों, और सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक उनके घर में सुकून सुकून बख्शे, और उनके रोज़े में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए, उनके घर में भी, और उनके पूरे घर वालों को अल्लाह पाक सेहत और शिफा अता फरमाए। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, तो आप भी दुआ कर दें हमें। मैं
हमारी भी दुआ है अल्लाह से उनको कामयाब रखे, मेरे औलाद को नेक करे, यही हमारी दुआ है दिल से, अल्लाह ताला ने खुश आंदे जी। तो बहन भाइयों, ये तावन किसने किया है? यूके की सिस्टर ने। आपने भी दुआ करनी है उनके लिए बहन भाइयों। ठीक हो गया, तो अभी चलते हैं खाने की पोजीशन, देखते हैं कि वो क्या है। हाँ जी, यहाँ क्या पोजीशन है अभी? जी अभी बना रही हूँ। अभी भी छिलके उतार रही हो? हाँ जी। आप हैप्पी होना, इधर देखो, आप तो खुश हो ना? हाँ जी, बहुत। तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए यूके वाले सिस्टर का। ठीक है, आप ये छिलके उतारे फिर बनाए। इधर के क्या पोजीशन है? आटा गूंद रही हूँ। आटा? हाँ जी। इतनी जल्दी? हाँ जी, माशाल्लाह। गुने गुने अरे इधर आके। वाओ, क्या हुआ? एक चार चढ़ गया चूल्हे पर पतीला, माशाल्लाह। आज आलू अरबे की रेसिपी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मजे थे पकाना? आज तबीयत खराब थी तो खाया कुछ नहीं मैंने। हाँ मुझे पता है, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख ज्यादा लग रही है। दुआ करें। मेरी तो दुआ हाँ के साथ है इंशाल्लाह, फिर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी भी जब उठ के खड़ा होता तो गिरने लगता हूँ, कमजोरी इतनी हो गई है कि प्यार डल गए। माशाल्लाह। इधर मौसम की सूरत है आज? वो सूरज खड़ा है बिल्कुल दीवार के साथ और ऊपर नीला आसमान है, आसमान और ऊपर कुछ एक बादल भी नहीं है ये देखें। और इधर नीचे का माहौल, कमरान भी यहाँ खड़ा है और इधर जो है सुहाना प्यारा मौसम। वाह जी वाह। और उधर पड़ी है इस्तियाना, अभी चलते हैं इस्तियाना के पास। अच्छा जी, हम आ रहे हैं आपकी तरफ। क्या हो रहा है? माशाल्लाह, बिरयानी। और ये चम्मच है आपका? माशाल्लाह, बिरयानी पका रही हो आज। और ये ओले, अपने बालों को उठाओ, ये कैसे फेंका हुआ है? उठाओ इसे। चलो सीधा करके ना वहाँ साथ बिठाओ पतीले के साथ, ये भी देखेगा आप बिरयानी कैसे बनाती हो। अच्छा यहीं बैठने दो, आग लग जाएगी। चलो यहीं बैठने दो और ये बुनाई करो, इसकी प्याज की बुनाई करो। चावल भी डाल दिया, सारा कुछ एक ही साथ डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया, प्याज हरी मिर्च सब कुछ डाल दिया। एक बार डाल देती हो? आग तो जलाई नहीं, लकड़ियाँ किधर है? चलो बनाओ, मैं आ रहा हूँ खाने। ठीक है, हमें दोगी? अच्छा कमरान, आप खाओगे बिरयानी? हाँ जी, माशाल्लाह। और कमरान की भी, मेरे भी दो प्लेट हैं और एक प्लेट आपके भाभी की। ठीक है, जल्दी बनाओ। हम फिर इधर वापस आ गए और इधर जो है आटा घूम के चले गए भाभी घास कुतरने। अम्मी और भाभी जो है और जानवरों के लिए घास को उतर रही है मशीन पे। और इधर कौशल की पोजीशन, माशाल्लाह। हरी मिर्च टमाटर भी डाल दिए? हाँ जी, माशाल्लाह। ये क्यों पूरी ताबे डाली हुई है? ये भाभी ने कहा है। अच्छा, ये उबाल के खाएंगे सिर्फ? इसको इसने नहीं कहा था? हाँ जी। चले बुनाई करें, उबाल के खाएं, चाहे पुसा के खाएं, कुरा खाएं, सूखा खाएं, जैसे खाएं। और ये इसको धोया था? हाँ जी, धोई हुई तो मुझे नहीं लगती। अच्छा धोई हुई है, धोया था, मुझे यकीन है आप पर धोया था। हाँ जी, माशाल्लाह। आलू भी जी? ओके, फिर बुनाई करें जी। और लाल मिर्च भी डाल? लाल मिर्च, माशाल्लाह। अब डाल रही हूँ हल्दी। अच्छा जी, हल्दी पहले लाल मिर्च डाल गई? हाँ जी। हाँ, ये लाल नजर आ रहा था, मैंने कहा ये कैसे बन गया। अच्छा हल्दी, चलें जी हल्दी भी डल गई।
अब और कुछ नहीं डालना है ना? नहीं। गरम मसाला जो है ना वो ख़राब कर रहा है बच्चों के ना मुँह, आपको पता है? हाँ जी पता है, इसलिए तो नहीं डाला जी। चले आप बनाया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझा था भाभी और अम्मी घास कुत रही हैं, इधर तो माशाल्लाह कमरान लगा हुआ है। माशाल्लाह हिम्मत करो। अच्छा बात सुनो, आज मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं खुद यहाँ कुतर देता। आज मेहरबानी कर रहे हो, आपका एहसान है मुझ पर, आप खींचो। ये जी आज कमरान घास कुत रहा है। जी ये बहुत ही शरीफ बंदा है, सादा दिल, सादा दिल, और किसी को दुख में नहीं देख सकता। भाई ये दुखार सकी है ना? जी मसला ये काबिल है, मेहनती भी है, हर काम कर लेता है मसला, सारे काम कर लेता। चलें जी कुतरते रहे फिर। जी तो कसर ने भी आलू डाल दिए, अब इसकी बुनाई और इसके बाद वो डालनी होती है। हाँ जी मैं समझे, शायद पहले वो डाल दिया। नहीं इसकी बुनाई होगी तो फिर वो उसकी बुनाई। चले फिर इसको बुनाई करें। तो बहन भाई हो, इस्तियाना का चूल्हा जो है वो टूट गया था, और अभी नए वो ईंटें लेकर आई है, छोटे छोटे टुकड़े। वो नहीं क्या बना रही हो? नया चूल्हा बना रही हो? माशाल्लाह बनाओ जल्दी बिरयानी बनाओ। बिरयानी बना रही हो तुम, अच्छी बात है, जल्दी करो। वो देखे लकड़ियां भी उठा रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। आज इस्तेहाना ने तो मेरी फेवरेट चीज बनाई है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है। कभी बनाए? इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो बिरयानी भी बनाएंगे। और इधर की पोजीशन क्या है? जी अभी बुनाई हो रही है। इसको चम्मच मार के हलाना थोड़ा। माशाल्लाह आलू भी काफी भुन चुके हैं। हाँ जी बस थोड़ी सी बुनाई करते हैं फिर वही डालते हैं। ओके जी। तो इधर जी बकरियां भी वापस आ गई, मुनीब बकरियां चरा के वापस आ गया, और वो दो छोटे भी ये देखे भाग के आ रहे हैं पानी की तरफ, ओ सब पीछे भी सारे एक एक करके आ रही हैं। ये देखे ये प्यासे हैं तो भाग रहे हैं। ये जी इधर आ गई, पानी भी पी रही हैं, और कमरान जो है नलका चला रहा है माशाल्लाह, और पीछे भी वो देखे वो आ रही हैं, और मुनीब सबके एंड में है, और इधर ये पानी पी रही हैं पक्के खाडे से, और इधर ये जो सब चिपकी हुई हैं वो क्या कहते हैं बट्टल को, तगारी को, ये प्यासी हुई थी, इनको प्यास लगी थी तो ये भाग के आई, और इधर भी जमा हो गई। चले कमरान माशाल्लाह हिम्मत करें, आज आपने सबसे ज़्यादा काम किया है वैसे। चलें जी ये तो पीते रहेंगे, हम अभी चलते हैं कौशल के पास, उसे देखते हैं वो क्या पोजीशन है उसकी। हाँ कौशल डाल दिया इधर वो क्या बोलते हैं अरबी। हंस क्यों रही है? अरबी डाल दी जी। आप ऐसे कैमरा करते हो, हाँ कौशल डाल दिया, मैंने सोचा कि चला के रखा है। हाँ चलाया तो है, देखिए। नहीं आपने मुझे पहले डाल दिया, पहले मैं मजाक कर रहा था। हाँ। ये डाल दिया तो चले, इसकी भी बुनाई होगी अब। और इधर आटा वैसे ही रखा हुआ है, भाभी पता नहीं कहाँ चले गई, और ये तंदूर भी नहीं जलाया अभी तक। हाय हाय देखें उसका जिक्र किया, वो आ भी गई। हाँ जी दिल से याद किया था ना। अच्छा ये लेने गई थी? हाँ जी गुए पोसियाँ। हाँ जी लकड़ी कम है ना, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गुए डाल दो। नहीं गोबर। अच्छा गोबर वो सूख जाते हैं ना। कर लो मजाक, बहन भाइयों को पता है ये जब सूख जाती है ना। हाँ तो ये जलती हैं अच्छे, तो ये अच्छे से जलती हैं वो तंदूर में। हाँ जी लकड़ियाँ कम है, इसलिए जंगल बहुत दूर है, उठाने के लिए हमें तंगी होती है, इसलिए मैं कुछ लकड़ियाँ डालूंगी तो कुछ ये डाल दूंगी। हाँ ये तो रोज का, और बहन भाई को पता है ये डालने पड़ते हैं। हाँ इसमें कौन सी मजाक वाली बात है। हाँ। आप इसकी बुनाई करें। अच्छा तो कौन सर। हाँ जी आज के ब्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल, ये तो जो है शाम भी काफ़ी हो गई, और मैंने
वीडियो सेटिंग भी करनी होती है और अपलोड भी करनी होती है तो टाइम ज़्यादा, जितना टाइम से भेजूंगा उतना ही हमें फ़ायदा है। तो आज जल्दी ख़त्म करते हैं और टाइम से ये वीडियो डालते हैं। और आज के व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल। अल्लाह पाक जो बीमार है उनको सेहत दे, और जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जो गरीब है मुस्तहक है मजदूर है मोहताज है अल्लाह पाक उनकी मोहताजी दूर करे और उनके घर में रोजी में बरकत अता फरमाए। और जो बहन भाई हमें देखते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब बच्चे करे और उन्हें नेक परहेजगार फरमा बतार औलाद से नवाजे। और अल्लाह पाक जो बहन भाई हमें देखते हैं सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी भी लंबी करे और उनके घर में खुशियाँ पैदा हों। और आज जो यूके के सिस्टर ने हमारे सपोर्ट किया है, हमारे साथ तावन किया है, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके बच्चों की लंबी उम्र हो और उनके घर में खुशहालियाँ और उनके पैदा हों। और अल्लाह पाक उन्हें हर एक खुशी से नवाजे और उनकी हर दिली ख्वाहिश हर मुराद पूरी हो। तो आज का व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, प्यारे बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।